आवाज मेरी आ रही है तुम लोग को? ठीक यस सर, यस सर, है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखो इसको। देखो एक एग्जांपल देख लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व वाई स्क्वायर, कितनी देर तक लोग आता रहेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर हमको ए को एलिमिनेट करना होगा। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए इंटू एक्स प्लस ए, वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इन प्लस 4 ए स्क्वायर डिफरेंशिएटेड, देन यू विल गेट 2 वाई डिवाइडेड डी एक्स विल बी 4 ए, इट मीन वाई डिवाइडेड डी एक्स इज इक्वल टू 2 ए। एलिमिनेट दिस ए बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 by 2 y divided by s plus y square divided by s whole square, this is equal to 2xy divided by s plus y square divided by s whole square, it means y divided by s whole square plus 2x divided by s minus y equal to 0. This is the required differential equation. तो इसको नोट करो, कहीं कोई प्रॉब्लम है पूछो मुझे, कितना देर तक लोग आता रहेगा। सर कल सिंगुलर सॉल्यूशन वाला जो लिख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया था, कट गया था कि। अच्छा इसको लिख लो, फिर वहां आते हैं, बैक में आ जाते हैं। ओप्पो किसका नाम है? ओप्पो अपने नाम से आओ।
ओप्पो कैसा नाम होता है जी, है? कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर। ठीक है, अब वो तुम लोग का जो कल का छूटा था उस पे आ जाओ, जो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं लिख पाई थी। ये लिख लो सिंगुलर सॉल्यूशन, सर ये तो कल का है ना सर, सर ये तो कल का है ना। कौन बोल रहा है ये? विक्रम सर। अरे बेवकूफ, बोला ना मैंने कल जो छूट गया था वो है। यस सर। क्यों पूछ रहा है? ना हम सोचे फिर लिखा रहे आगे क्या। Completed, sir. आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। A differential equation of the first order and first degree can be written in this form, mdx plus ndy is equal to zero, where m and n are functions of x and y, or arbitrary constants. ये कौन आ रहा है जी regular बार बार? अब देखो, we shall deal with the following differential different methods in solving the differential equation of the first order and first degree. ये सब method तुम लोग पढ़ चुके हो, बस एक बार हम लोग brush up कर लेंगे। By the method of variable separable homogeneous equations in x and y, non-homogeneous equations in x and y, फिर linear equations, equations reducible to linear form, exact differential equations, equations reducible to exact form. Now the first is variable separable. If the given equation mdx plus ndy is equal to zero, can be put in the form fx dx plus fy dy is equal to zero, where fx is a function of x and y, fy is a function of y only. Then the variables are separable. In this case, the solution will be integral f dx plus integral phi y dy is equal to q, where k is an arbitrary constant. ठीक है, इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। जल्दी जल्दी लिख लो इसको भी।
सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर। चलो चल था हमारा क्यों नहीं जो तुम्हें कंप्लीट हो गया सर, बढ़ाइए ना। लिख लिया तुम लोग? यस सर। नो सर लिख लिया। लिखो बाबा जी, ये सब तुम लोग का पुराना है, ये इंटर का चीज है, खाली रिवाइज करा दे रहे हैं थोड़ा। Completed, sir. एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब वाई को डी वाई के साथ लगा दो, इट इंप्लाइज दैट डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इट विल बी 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स प्लस के, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स सी, where 10 inverse c is capital K, therefore 10 inverse y plus x by 1 minus y x is equal to 10 inverse c. It implies that y plus x will be 1 by y minus x will be c, or x plus y is equal to c into 1 minus x y, which is the required solution. यानी कि ये variable separable का case हो गया, एक example हो गया, हैं? इसको लिख लो जल्दी से, कोई problem है तो पूछो मुझे। रुक जाएगा सर एक मिनट। ये रंजन मिस्त्री कौन है? क्लास चलता रहा तो उसी में किससे फोन से बात करता रहता है? तुम डिस्टर्ब करता है पूरी क्लास को। Completed sir. Completed sir. एक एग्जांपल और है, इसको भी नोट कर लो। dx ऑफ y इक्वल टू e x + y + x² e y। अब आओ दूसरा देखें, इक्वेशंस रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। देयर आर इक्वेशंस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली पुट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बट दे कैन बी रिड्यूस्ड आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। देखते हैं वन मोर वन एग्जांपल, x + y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx = a स्क्वायर। यहां वेरिएबल सेपरेबल का केस नहीं है, बट इफ वी सब्स्टिट्यूट x + y = z देन सो दैट ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 1 plus dy by dx is equal to dz by dx. Differentiate this x plus y equal to z.
इट इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन। ना लिखो, फिर आगे चलते हैं। कंप्लीटेड सर। कंप्लीट सर। नाउ द गिवन इक्वेशन विल बिकम जेड स्क्वायर डिजिट बाय डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट डिजिट बाय डी एक्स माइनस वन इज ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर और डिजिट बाय डी एक्स विल बी वन प्लस ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। इट मीन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर और dx will be z square by z square plus a square dz. Now we will integrate this. Integration dx is equal to integration z square by z square plus a square dz. Add a square and subtract a square. It is equal to integration z square plus a square minus a square by z square plus a square dz. So it will be x equal to integration 1 minus a square by z square plus a square dz. Or this is equal to z minus a square into 1 by a tan inverse z by a. Plus some constant of integration k, 1 upon z square plus a square digit in the integration what inverse z by a. So this is equal to, now substitute the value of z, x plus y minus a tan inverse x plus y by a plus capital K, or x x cancel, y is equal to a tan inverse x plus y by a plus c. This is our required solution. So इसको भी देख लो, नोट कर लो जल्दी। Completed, sir.
कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर। नेक्स्ट आ जाओ होमोजेनियस इक्वेशंस पे। A differential equation of the form dydx will fxy by phi xy, where fx, f and phi are homogeneous functions of x and y, and they are of the same degree, is said to be homogeneous. Homogeneous का एक example हम लोग देख लेंगे, लिख लो इसको। हो गया सर कंप्लीट। देखो इसका वर्किंग रूल, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द अबव टाइप कैन बी सॉल्व बाय पुटिंग वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट इसको डिफरेंशिएट करो वाई इज वी एक्स को, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इतना लिखो। बाकी इधर हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ये एग्जांपल भी नोट कर लेना। x डिवाइडेड x प्लस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू y, देखो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, सो इट इज एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर भेज देना है। नाउ ये राइट हैंड साइड इज होमोजीनियस, सो सब्स्टिट्यूट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, सब्स्टिट्यूट दिस हियर, सो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स विल बी वी इंटू वी एक्स मीन्स वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज वी माइनस वी स्क्वायर वी वी कैंसिल, सो एक्स डी वी ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, यहाँ इज इक्वल टू साइन छूट गया है, इट इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन विल इम्प्लाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी इंटीग्रेशन डी वी बाई वी स्क्वायर और लॉग एक्स विल बी वन अपॉन वी प्लस ए, it implies that log x will be x upon y plus log c after substituting v is equal to y by x, so log x by c is equal to x by y or x by c will be e to the power x plus y, yani ki x is equal to c into e to the power x by y, which is the required solution.
लिखो इसको भी जल्दी से। Completed. Completed sir. ठीक है, टाइम खत्म है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। यस सर। सर और अटेंडेंस सर।